बंधुगण कंटिन्यू लागि रहितबा काश जेते भी पुरुणा हेओ केवल 5 मिनिट रे ठीक हेबो। आजर एही घर उपचारटी को ठीक उपाय रे प्रयोग करबा द्वारा आपनकर काश भली समस्या तुरंत ठीक हेबो। आजर एही रेमेडीटी बनेबा बहुत सहज अटे। घरे मिलुथुबा सामग्री सहायता रे आपन एही रेमेडीटी को बनेई पारिबे। एथिपई आपनकु कोनोसी टंका खर्च करिवार आवश्यकता पडिबो नाही। कफवाला काश हेउ बा सुखिला काश हेउ उभय प्रकार काश पाई एहा लाभदायक अटे। आज मु आपनक सह दुईटी घरोई उपचार शेयर करिबी, गोटे सुखिला काश पाई एवं आउ गोटे कफवाला काश पाई। सेति पई भिडीओटी को स्किप न करी शेष जाय निहाते देखंतु। तेबे चालंतु जानिबा आजर एही रेमेडी को आपन केमिति बनेबे एवं एहार सेवन केपरि करिबे। किंतु ता पूर्वर मु आपन मानु कहि रखबी जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करनाते तबे तले थिबा सब्सक्राइब बटन उपर क्लिक करे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखत नोटिफिकेशन क्लिक करूँ। यहाँ आम जो नूतन वीडियो अपलोड करूँ ता नोटिफिकेशन आपने प्रथम पाइपे और आम चैनल मध्यम बहु किसी शिक्षण जिनस आपने शिखा को पाइबे। आज रेमेडी आपको आवश्यकता पड़े गोलमरीच, जहाँ प्रायतः समस्त रोसे घर बहुत सहजे मिल जाए। जो मान गलार इनफेक्शन बहुत अधिक बढ़ी जाए, जो कारण से काश होता है से गोलमरीच बहुत अधिक लाभदायक होता है। यह आपण काश को तुरंत ठीक कर दिए। आज रेमेडी आपण गोलमरीच गुंडर प्रयोग करें, गोटा गोलमरीचर प्रयोग करें। प्रथम रेमेडी को बनवाई जदि आपण गोलमरीच गुंड अच्छी तेज अधा चामच निदी ना तेज आप 10-12 गोलमरीच निवंतु। प्रथम बाटि गुंड करूँ। मु तो कहिबे मार्केट रो मिलुथबा कोनोसी भी केमिकल युक्त गुंडर प्रयोग न करी आपण गोलमरीच गुंड घरे एही परि भाबे बनांतु। देखंतु मु गोलमरीच को बाटी तहार गुंड बनै देली। एबे बंधुगण आपण को एथि पई द्वितीय सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो, ताहा अटे देसी गाई घी। केवल 7-10 बुंदा देसी गाई घी आपण एथि प्रयोग करंतु। मु प्रथम रु कहिछि कोनोसी भी रेमेडी को प्रयोग करबा पूर्वरु तार संपूर्ण प्रोसेस भल भाव में निहाती जानतु। जदि आज रेमेडी 100% फायदा पाइबा को चाहूँच तेज भिडियो शेष जाए निहाती देखु। देसी घी गोलमरीच गुंड में पकई आपण यह भल भाव मिक्स कर दिंतु। एवं आपत भावुवे घी काश से क्षति पहुँचाइब, बिलकुल नुहे। प्रथम रेमेडी आम सुखिला काश बनाऊँ। काशी काशी आपण गला जो छेली जाए से आप अल्प घीर प्रयोग करेमेडी को बनइबे तेज आपको तुरंत आराम 5 मिनिट्रे आपणको काश ठीक होइजिबो एवं गळा इन्फेक्शन रो मध्य फायदा मिलिबो। एबे जानि नियंतु नेक्स्ट प्रोसेस विषय रे। एबे आपण एहा को गैस रे बसे अल्प गरम करि नियंतु। पूरा लो फ्लेम रे केवल 30 सेकंड पई आपण एहा को गैस रे बसे गरम करंतु। घी गरम हेबा मात्रे आपण गैस बंद करि दियंतु। आपण जदि गोलमरीच गुंडर प्रयोग करिथांते ताहले ताहाको भी एही परि गरम करबाकु पडिथांता। एबे आपणकर एही रेमेडी बनि प्रस्तुत। एबे जानि नियंतु आपण एहार सेवन किपरि करि बंधुगण आपण एहा को थरे बने रखि दियंतु एवं दिन सारा एहार सेवन करंतु। बारंबार आपण को एहा गरम करिवार आवश्यकता पड़िबो नाही। दुईटी गोलमरीच अनुपात रे एही मिश्रण को नियंतु एवं पाटी रे पकांतु। पाटी रे पकेई एहा को 10-15 मिनिट पर्यंत धीरे धीरे चबेई करी खांतु। जेमिति एहा आपण को लाळ सहित मिक्स होई आपण को गळा रे लागिबो। एही परि आपण दिन सारा एहार प्रयोग करि पारिबे। जदि आपण को काश भली समस्या लागि रहिछि बा एबे आरंभ होइछि तेबे केवल गोटे दिन आपण एही रेमेडी रो प्रयोग करि देखंतु। देखिबे आपण को एथरु चमत्कारी फायदा देखिबा को मिलिबो। जदि गोलमरीच गुंड रे आपण एहा को बनाउछंती तेबे ठीक एही परि आपण को एहा धीरे धीरे चाटी करी खाइबा को हेबो। देखिबे आपण को एथरु 100% फायदा देखिबा को मिलिबो। एबे जानिबा द्वितीय रेमेडी विषय रे, जहां आपण को कफ जनित काश पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। एथिपई आपण को गोलमरीचर पूरा फाइन पाउडर आवश्यकता पड़िबो। एथिपई आपण 1/4 टीस्पून गोलमरीच गुंड एक पात्र को नियंतु। गोटे दिन पई एतिकी गोलमरीच गुंड जथेष्ट अटे। थरे एही परि बनांतु, दिन रे 2 टाइम आपण एहाकु खाई परिबे। एबे आमे एथिरे द्वितीय सामग्री रो प्रयोग करिबा, ताहा अटे महु। 1 चामच महु आपण एथिरे मिसांतु। एबे आमे एथिरे आउ एक सामग्री मिसेबा, ताहा अटे अदा रस। अदा रस गोलमरीच गुंड एवं महु आपणकर कफजनित काश ठीक करिया पई रामबाण होइथाय। जदि आपण एहाकु बने सेवन करिबे तेबे आपणक छाती रे जेति भी कफ जमा होइथाउ ताहा बाहरि जिवो एवं आपणकर कफबळी समस्या ठीक होइ जिवो। अदा रस बदलरे आपण एथिरे सुंठी गुंडर मध्य प्रयोग करि परिबे।
ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଅଦାର ଗୁଣ୍ଡ କହିଥାଉ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ଅଦା ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ବା ଚିମୁଟାଏ ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଏଥିରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଏଥିରେ କରିବେ ତେବେ ମହୁର ମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ବଢ଼େଇବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଦା ରସର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ କେବଳ ଏକ ଚାମଚ ମହୁର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରେମେଡି ବନି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାର ସେବନ କିପରି କରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନରେ 2-3 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କାଶ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବନେଇ ଦିନକୁ 3 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାଶ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଏହିପରି ବନେଇ ଦିନକୁ 2 ଟାଇମ୍ ଅଧା ଅଧା ଚାମଚ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରେମେଡିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଜମା କଫ ସଫା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଶୁଖିଲା କାଶ ଏବଂ କଫବାଲା କାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ରେମେଡିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।